नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। इस बार हम चर्चा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की पीडीपी भाजपा सरकार की, जो शुरुआती दौर में ही विवादों में घिर गई है। जयदीप जी, भाजपा और पीडीपी सरकार का ये बेमेल गठजोड़ कब तक चलेगा? देखिए, इसके भविष्य के आसार तो ज्वाला जी बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से रुकावटें आई हैं, जिस तरीके से सिद्धांतों का मिलन दोनों जगह नहीं हो रहा है, इसको एक बेमेल विवाह कहा जा सकता है, एक मजबूरी का विवाह कहा जा सकता है। चुनावों के बाद जिस तरह की स्थिति बनी कि पूर्ण बहुमत किसी को नहीं आया, तो अब या तो कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला और पीडीपी ये सब साथ आते, या भाजपा पीडीपी से, इस तरह के दो तीन ही विकल्प बचे थे। और उसमें वैसे भी सबसे ज़्यादा मजबूत विकल्प इसी बात का दिखाई दे रहा था कि पीडीपी और भाजपा साथ आए, लेकिन उसको लेकर भी लंबी बातचीत चली। और उसके बाद वो जब सरकार बनी भी है तो वो पहले दिन से ही संकटों में है, क्योंकि शपथ ग्रहण के समय ही जब मुफ्ती मोहम्मद सईद कहते हैं कि पाकिस्तान ने भी सहयोग दिया है शांतिपूर्ण चुनाव करवाने में और अलगाववादियों ने भी सहयोग दिया है, तो विवाद का कारण बन गया। फिर मसरत आलम की रिहाई ने भी एक बड़ा बवाल खड़ा किया है। तो मुझे लगता है कि दोनों में सैद्धांतिक मतभेद हैं। भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर को लेकर समूचा दर्शन जो है वो राष्ट्रवाद पर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर खड़ा है। वो जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानने वाले राष्ट्रवाद के से अनुप्राणित होकर ही दरअसल सत्ता में आए हैं। अब वो उन प्रतीकों को अगर छोड़ देते हैं तो उनके लिए मुश्किल है। पीडीपी इन प्रतीकों को नहीं मानती, पीडीपी में घाटी में अलग तरह की राजनीति करती है। आप ये भी देखिए कि वोटों का जो बंटवारा है उसने साफ साफ बता दिया है कि घाटी में मानस बिल्कुल अलग है और जम्मू में मानस बिल्कुल अलग है। तो ये जो वोटों का विभाजन है वही दरअसल सिद्धांतों का और मानसिकता का विभाजन भी है। अब ये दो बेमेल लोगों का जो गठबंधन है, दरअसल उसका होना वैसे इसलिए भी जरूरी है कि इन दोनों धाराओं के मिलन से ही जम्मू और कश्मीर की शांति की राह निकलती है। तो बजाय कि इन सिद्धांतों को हम टकराते हुए देखने के, अगर हम इन सिद्धांतों को सही तरीके से मिलते हुए देखेंगे तो वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए ही जरूरी होगा। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से ये टकराव पार्टियों का नहीं है, ये जमीन पर भी टकराव है। जमीन पर भी लोगों की सोच में ये हमको दिखाई देता है अंतर। उस सोच के अंतर को बड़े स्तर पर हम पीडीपी और भाजपा में परिलक्षित होते हुए देख सकते हैं। तो ये प्रतीक है इस बात का कि घाटी में और जम्मू में लोगों की सोच में जो अंतर है, वो जो सैद्धांतिक टकराव है, उसको दरअसल कैसे हम एक चुनौती के रूप में लें और कैसे उससे रास्ता निकालकर जम्मू कश्मीर में एक स्थिर सरकार मिले और भारत का अखंड हिस्सा वो बना रहे। पीडीपी अलग झंडे और अलग संविधान की बात कर रही है, कहीं ये उसकी भावी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है? देखिए, अलग झंडे और अलग संविधान की बात दरअसल पहले से वहाँ है। जब जम्मू कश्मीर राज्य का गठन हुआ था उसके इतिहास में ये बात है कि उसका अलग झंडा और उसका अलग तो वो तो ऐसी कोई नई बात उन्होंने नहीं उठाई है, वो दरअसल है। लेकिन उसके बावजूद वो भारत राष्ट्र का हिस्सा है और भारत का झंडा जो है वो उसके ऊपर माना जाएगा। लेकिन कोई यदि उन लिखित मुद्दों को उठाकर उसका मुद्दा बनाकर उसको विवाद का रूप देना चाहे तो ऐसा कर सकता है। दरअसल समूची धारा 370 जो है वो विवाद का कारण ही इसलिए बनी है ना, जिसमें उसमें जिस तरह के प्रावधान है कि कोई भी भारत सरकार का जो ऐसा कानून है सुरक्षा और अन्य मामलों के अलावा, वो जब तक वहाँ की विधान परिषद की मंजूरी नहीं होगी तब तक वहाँ लागू नहीं हो सकता। तो ऐसा दूसरे राज्यों में तो नहीं होता है देश के। तो एक तरफ तो हम देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, जहाँ हम राज्यों को अधिक स्वायत्तता देकर मजबूत करना चाह रहे हैं। दूसरी ओर एक ये जम्मू कश्मीर का मामला है जहाँ पर हमने शुरुआत से ही कुछ अलग तरह की स्वायत्तता उस राज्य को दे दी है, और वो स्वायत्तता दरअसल अब इसलिए हमें महंगी भी पड़ रही है क्योंकि बाकी राज्यों के और जम्मू कश्मीर में ये अंतर है कि वहाँ पर हमारी सीमा रेखा जो है वो भी दांव पर लगी है, हमारी सामरिक जो शक्ति है, हमारी रणनीति है, वो भी वहां अड़े आती है। और एक ये बहुत संजीदा मसला है पाकिस्तान के साथ हमारा, जो वहां की जमीन को लेकर, तो जो सारे नियम कानून है वो सीधे सीधे वहां लागू नहीं किए जा सकते, उसको एक अलग तरीके से ही हमें निपटना होगा। हिंदुत्व के मुद्दे पर चलने वाली भाजपा के लिए ऐसा लगता है कि ये स्थिति सांप छछूंदर जैसी हो गई है? हाँ, निश्चित तौर पर आप इसको सांप छछूंदर जैसी स्थिति कह सकते हैं, या ये एक ऐसी गले में अटकी हुई हड्डी है जिसे भाजपा ना तो उगल पा रही है ना तो निगल पा रही है। मुझे लगता है कि लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसका समाधान जल्दी ही ढूंढना होगा, क्योंकि अगर वो बहुत सारे ऐसे फैसलों पर पीडीपी सरकार के साथ बनी रहती है जो कि उसके मूल सिद्धांतों से मेल नहीं खाते, तो उसकी जमीन खिसक सकती है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे समर्थक भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए हैं क्योंकि इन मुद्दों को लेकर उन्होंने एक स्पष्ट रुख अपनाया है शुरू से। अब अगर उस रुख से वो केवल जम्मू कश्मीर में सरकार चलाए रखने की खातिर समझौता करते हैं उन मुद्दों पर, तो निश्चित तौर पर उनके समर्थकों में एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा और उनके लिए कठिन चुनौती है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा
कि ये जो मुद्दे हैं इन पर जो चर्चा हो रही है वो इसलिए जरूरी है कि हम केवल सरकार के गिर जाने भर से उन मुद्दों से मुक्ति नहीं पालेंगे। ये जम्मू कश्मीर की जमीनी हकीकतें हैं जो सवाल बनकर आज हमें नश्तर चुभो रही हैं। इन सवालों का हल ढूंढे बगैर आप जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण सरकार का जो है सपना नहीं देख सकते। इसलिए चाहे पीडीपी और भाजपा के माध्यम से ही सही, कुछ ऐसे तीखे सवाल हैं जिनका जवाब हमें ढूंढना होगा। चाहे फिर वो वहाँ के जो मुस्लिम हैं, जो उनकी जो सोच है उसमें, और बाकी देश के जो लोग हैं उनकी सोच में जो अंतर है उसको हम कैसे पाटें। जो ज़मीन नहीं खरीद सकते लोग वहाँ पर जाकर बस नहीं सकते, या वहाँ पर जो बात ये की जा रही है कि वहाँ की डेमोग्राफी चेंज नहीं होना चाहिए। बहुत सारे अलगाववादी ये कहते हैं कि कश्मीर की जो डेमोग्राफी है वो चेंज नहीं होना चाहिए, पर उस डेमोग्राफी को जब वहाँ से पंडितों को भगाकर चेंज किया गया उसका क्या है? तो मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे कड़े सवाल हमारे सरकार को और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको इनका जवाब ढूंढते हुए करना पड़ेगा। फिलहाल जो सरकार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही है, और मुझे लगता है कि कुछ मामलों पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। वो इसलिए कि जहाँ तक वहाँ के हमारे स्थानीय निवासी हैं उनके दिल जीतने का सवाल है वो एक अलग मसला है, लेकिन भारत की सुरक्षा से समझौता करना वो एक अलग सवाल है। आप जब मसरत आलम जैसे अलगाववादियों को खुलाआम घूमने की इजाज़त देते हैं, जो पत्थर फेंकते हुए पाए गए समाज में और घाटी में तनाव फैलाते हुए पाए गए, तो मुझे लगता है कि उस पर कड़ा रुख अपनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन मुद्दों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय अगर ऐसा होता है तो भाजपा का जो वोटर है न सिर्फ जम्मू में बल्कि पूरे देश में खिसक सकता है। हाँ, निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर एक संजीदा मसला है, और वो केवल वहाँ घाटी तक सीमित नहीं है बल्कि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद कभी पिछले बहुत सारे सालों में जम्मू कश्मीर नहीं गए होंगे, जम्मू कश्मीर की जमीनी हकीकतों से वाकिफ नहीं है, लेकिन जिस तरह का प्रचार हमने पिछले 1.5-2 दशकों में किया है जम्मू कश्मीर को लेकर, उसकी वजह से वो मुद्दा हर हिंदुस्तानी के दिल के करीब मुद्दा है। और जब भी बात आती है कि कश्मीर की जमीन या धरती पर कोई संकट है तो सारे देशवासी उससे लेके एक प्रकार से आक्रोशित होते हैं, आंदोलित होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल अपने पूरे प्रचार की नींव ही इस बात पर रखी थी, इस तरह के राष्ट्रवाद की आधार पर उन्होंने अपना प्रचार किया था। तो अगर वो उस तरह के विचार को, उस तरह के राष्ट्रवाद को दरकिनार करके, ये बात ठीक है कि आप संसद में उसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं, संसद में कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा और मसरत आलम की रिहाई गलत है और हमने उसको लेकर जम्मू कश्मीर सरकार से जवाब तलब किया है, संसद में ये कहना ठीक है, लेकिन जो आम वोटर है आज का वो हमने देखा है कि बहुत जागरूक है, सोच समझ कर फैसले लेता है। तो उस वोटर को ये बताने के लिए कि आप अपने मुद्दों से हटे नहीं हैं, आपने सत्ता की खातिर कोई गैर जरूरी समझौता नहीं किया है, वो बहुत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो अपने वोटरों को ये बात समझा पाए। यदि ये सरकार भविष्य में गिरती है तो किसको ज्यादा फायदा मिलेगा? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, और मैं ये सोचता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें समझौते करती है अपने सिद्धांतों पर तो निश्चित तौर पर सरकार गिरने के बाद उसको नुकसान होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहकर फिर इस सरकार से अलग हटती है तो फिर उसको आने वाले समय में फायदा हो सकता है। लेकिन ये हमने देख लिया है कि घाटी के लोगों से वोट पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी दूर की कौड़ी है, और सबसे पहले उसका उपाय सोचना होगा। और मुझे लगता है कि दरअसल ये जो सरकार बनी है इसके पीछे भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का विचार ये रहा होगा कि जितने लोगों का दिल उन्होंने जीत लिया है वो तो अच्छी बात है, जिन लोगों तक वो नहीं पहुँच पाए सरकार में भागीदारी करके ही सही, वो शायद वहाँ पर एक ऐसा माहौल बना सकें जिससे भारतीय जनता पार्टी की पैठ उन वोटरों तक हो सके जिन वोटरों ने उनको इस चुनाव में रिजेक्ट किया है। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे जम्मू कश्मीर की पीडीपी भाजपा सरकार की। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।